इधर किसी कंपनी को ज्वाइन किया है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो यूनिक है, क्योंकि हम लोग फार्मा फील्ड में है तो हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, हमारा वही काम है। लेकिन हमने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, इसमें इसको सेलेक्ट में आपको 5 पॉइंट बताता हूँ जिसकी वजह से हमने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, अपनी हेल्थ के लिए भी और कैरियर बनाने के लिए भी। ये प्रोडक्ट है, हम बार बार इस प्रोडक्ट को जब रिजर्व का नाम आता है, इस प्रोडक्ट का नाम है रिजर्व। रिजर्व का जब नाम आता है तो एक चीज़ हमेशा आपको सुनने में आएगी, ये है DNA फंक्शनिंग। ये प्रोडक्ट आपके DNA में काम करता है। बार बार ये लफ्ज़ आपको हमेशा सुनने में आएगा, अगर आप जूनियर्स की मीटिंग में भी जाएंगे तो ये वर्ड आपको बार बार सुनने में आएगा, DNA में वर्क करता है। तो 5 पॉइंट में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि क्या इस 5 पॉइंट में आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और हमें क्यों ये खाना चाहिए, और हमें ये हेल्थ ओरिएंटेड कैसा है और बिजनेस ओरिएंटेड कैसा है। तो DNA पहले तो समझ में हमको समझनी चाहिए, DNA क्या, व्हाट इज DNA। तो एक बहुत बड़े मौखिक है, वो बहुत इस्लामिक स्कॉलर भी है, उनका कहना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को समझना है, उसकी कुदरत को समझना है, उसकी अजीमत को समझना है, तो कायनात पे गौर और फिक्र करो और इंसान की खुद की जिस्म में भी गौर और फिक्र करो, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। इस्लाम को कबूल करने में दो लोग बहुत ज़्यादा आगे आए, एक डॉक्टर हजरत और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिस्ट जो कायनात पे गौर और फिक्र करते हैं। सेम थिंग आप देखेंगे हमारी बॉडी में और कायनात में सेम थिंग मिलेगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे निज़ाम बनाए, उसमें से एक निज़ाम है सेल। हमारी जो बॉडी है सर से लेकर टो तक, ये 1 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, सेल्स, छोटे छोटे सेल, और हर सेल एक कायनात है। 1 ट्रिलियन सेल में होता है 14 चीज़ें होती हैं, वो आप एक अलग ही स्टडी है। उसमें से एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में होता है DNA। DNA क्या होता है, DNA ये होता है कि इसके 2 से 3 काम बहुत मेजर होते हैं। एक तो ये हमारे बाप दादा के डेटास को जमा रखता है, यानी हमारी जेनेटिक कोड को स्टोर करता है। अगर किसी कोई बच्चा है उसको पता करना है कि इसका इसके बाप और माँ को, तो उसका टेस्ट के लिए बोला जाता है। तो नंबर 1 इसका एक फंक्शन क्या है, जेनेटिक कोड हेरिडिटी को स्टोर करता है। सेकेंड के लिए क्या करता है, इसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, DNA को क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट, यानी हम कभी जल जाते हैं, गिर जाते हैं, या हमारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो ये रिप्लिकेट करता है, रिप्लेस करता है। अगर ये निज़ाम ना हो तो हमारा पूरा बॉडी ना ग्रोथ ही ना हो, हम बच्चे हैं तो बच्चे ही रह जाएंगे। तो तीसरा चीज़ ये है कि इसको प्रोटीन को जनरेट करता है, और प्रोटीन मतलब आपके मसल्स को लेता है। प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो हमारा मसल्स डिस्ट्रॉय जाएगा, मसल ग्रोथ रुक जाएगा। तो सबसे पहले करता है कि सबसे 3 मेजर काम है ये। और दूसरा ये चीज़ है कि DNA जो होता है ये ब्लड के अंदर, जो हमारे एक इंसान की बॉडी में 4 से 6 लीटर खून होता है, कितना, 4 से 6 लीटर खून होता है, और उस खून के कॉम्बिनेशन में सबसे अहम जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल में ही DNA होता है, ऊपर से नीचे जो हमारी पूरी बॉडी में फंक्शंस करता है वो रेड ब्लड सेल ही करता है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ही ये होता है। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई कि DNA क्या है। DNA एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक निज़ाम है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। दूसरा पार्ट है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, जैसे हम पॉल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल होता है फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जमा होता है, तो ये हमारे सेल को डैमेज करता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया कहती है कि 1 लाख सेल पर डे डैमेज होता है, कितना, उसके लिए हमारी कोई तदबीर नहीं है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि ऑटोनोमस डिजीज जो होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडिया सबसे बड़ा हाल है थायराइड का, फर्स्ट टाइप ऑफ थायराइड हो रहा है हर, पहले तो ये फीमेल्स डिजीज कहा जाता है लेकिन बहुत रैपिडली ये सारे लोग में पाए जा रहे हैं। एक ऑटोनोमस डिजीज जो जनरेट हो रहा है उसमें कैंसर का भी नाम ज़्यादा आता है, कैंसर थायराइड ये पिक लेवल पे इंडियन कल्चर्स में। तो जब हम ये सेल्स को रिपेयर ही नहीं करेंगे, इसके लिए कोई तदबीर ही नहीं करेंगे अपने हेल्थ के लिए, तो वो सेल रिस्टोर कैसे होगा। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे बदन के एक एक सेल को, तीन बार आप सोचिए ना जरा कि 1 लाख सेल हमारे डेली बेसिस पे डैमेज हो रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा। आप अक्सर न्यूज पे सुनते होंगे कि फला शख्स बहुत हेल्थी थे, अचानक उनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, अचानक उनको वर्टेब्रेट कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ये सुनते हैं आपके, ये हमारे लिए रेगुलर बात हो गई। एक साहब थे वो दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं, उनको अचानक सुनने में आए उनको थायराइड हो गया है, बड़े हेल्थी थे बेचारे। तो
ये डीजल जो ऑटोनोमस डीजल इसी बुनियाद पे हो रही है कि हम अपने सेल्स को जो हमारा सेल डैमेज हो रहा है उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं। सेकेंड थिंग हो गया फ्री रेडिकल। तीसरी चीज होती है वो जो आपको सुनने में आएगी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो एंटी ऑक्सीडेंट जिसपे हमारा प्रोडक्ट टिका हुआ है। एंटी ऑक्सीडेंट ये क्या करता है, मार्केट में आपको काफी एंटी ऑक्सीडेंट मिलेंगे लेकिन हमारा जो रिजर्व है वो एक अलग ही चीज है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये एंटी ऑक्सीडेंट सारे सेल को रिपेयर करने में इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ मदद करता है, ये आप समझ लीजिए। अब ये चीन ये चार चीज हो गई। अब आइए हम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। रिजर्व जो जूनियस का मेन प्रोडक्ट है, रिजर्व जो आप बोल सकते हैं जूनियस कंपनी का वाटर ब्रेड है, इससे ही हमको इनकम जनरेट करना और अपने यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जबरदस्त है। वो ये सबसे पहली खासियत इसमें कि इसमें जो मॉलिक्यूल है रेस्वीड्रॉल ये हायर एंटीऑक्सीडेंट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बना ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वो जो बात क्या है, रेस्वीड्रॉल का मेन सोर्स जो होता है रेड ग्रेप्स होता है। रेड ग्रेप्स आप देख रहे होंगे जो काफी कॉस्टली भी होता है, मेन सोर्स वो है, इसके एक्सट्रैक्शन से ये बनता है और ये ज्यादातर पाया जाता है रेड वाइन में। अगर आप 372 रेड वाइन पिएंगे तो 187 रेसिड्यूल मिलेगा, जो 187 रेसिड्यूल हमारे एक पॉच रिजर्व के एक पॉच में मिलता है। यानी एक बॉटल रेड वाइन वैसे तो खैर वो शराब की है लेकिन एक मिसाल बता रहा हूँ कि रेसिड्यूल सबसे ज्यादा जो अमीरों की महफिल में एक शराब पाई जाती है, जो क्योंकि शराब का प्रोसीजर भी जो होता है वो वेजिटेबल प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें नशा आता है इसलिए ये इस्लाम में हराम है। तो रेस्वीड्रॉल जो सबसे ज्यादा रेड वाइन में पाया जाता है क्योंकि वो भी एक फल फ्रूट का एक्सप्रेशन होता है। ये रेस्वीड्रॉल ये हमारे जो प्रोडक्ट है रिजर्व में पाया जाता है और इसके काफी फायदे हैं आपको ये। और जो हमारा जो सेल टूटा हुआ रहता है अगर आप उसको माइक्रोवेव देखेंगे तो जो डीएनए टूटा हुआ रहता है नीचे से उसको रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है, मॉडिफाइड नहीं करता है क्योंकि मॉडिफाइड करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी अनुराग है कि आजकल अभी देखेंगे रिसेंटली में एक तो ये मेन जो रेसिड्यूल है ये इसमें पाया जाता है। दूसरा इसका मेन सोर्स है ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, अचीव और ग्रीन टी, इस तरह के बहुत सारे ये एक्सप्रेशन की ये वन पाउच बना हुआ है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल मौजूद है। इसको हम बोलते हैं एंटी एजिंग, यानी कंपनी का पर्पज क्या है इस प्रोडक्ट से कि इंसान जो आज के जो हमारे पास जो खान पान है वो जल्दी हमें बूढ़ा बना देता है। हमारे जो बायोलॉजिकल जो अंदर का निज़ाम है जो एक्सटर्नल निज़ाम वो जल्दी बूढ़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस तरह के कोई सिस्टम्स नहीं है कि हम अपने सेल को जनरेट कर सके, सेल को रिपेयर कर सके। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है क्योंकि ये अंदर इंटरनली डीएनए पे वर्क करता है। अच्छा एक अहम पॉइंट जो मैं भूल गया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक टेस्ट होता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे टेस्ट फेमस है जिसको हम कहते हैं कैप ई टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है सेल बेस्ड एंटी ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन इन एंथ्रोसिस, इसका फुल फॉर्म है। ये टेस्ट रिजर्व जो हमारा मॉलिक्यूल है जो हमारा प्रोडक्ट है ये टेस्ट पास किया हुआ है, यानी इसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन इसके पास मौजूद है कि वाकई एक्चुअल में ये प्रोडक्ट हमारे डीएनए पे वर्क करता है, हमारे डीएनए के सेल्स को रिस्टोर रिपेयर करता है। ये इसके पास सर्टिफिकेशन आप सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हो कंपनी के जो उसके अंदर भी मौजूद है। तो ये अहम पॉइंट है और क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारे मौजूद है कि थायराइड पेशेंट्स पे, कैंसर पेशेंट्स पे, और टेस्टिमोनी भी बहुत सारे हमारे पास मौजूद है कि किस तरह वर्क करता है। काफ़ी लोग इस प्रोडक्ट से फायदा उठाए। अभी मुझे भी 2 दिन हुआ है तो 2 दिन में मैंने लिया तो मेरे अभी फिलहाल तो मैंने 2 दिन लिया तो मुझे एक फीलिंग क्या आ रही, पहले मेरा पेट जो है काफ़ी हैवी लगता था, काफ़ी बेचैनी लगती थी लेकिन मैं 2 दिन से लेने से ना मेरा पेट ना काफ़ी हल्का फील इतना जोन तो कम्फर्टेबल जोन में मैं महसूस करता हूँ। बाकी इसके अलहमदिल्ला काफ़ी टेस्टिमोनी बनी मौजूद है, आप देख सकते हैं वीडियो भी बहुत सारे हैं देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, एक रिजर्व भी अच्छा प्रोडक्ट है और ये हम अपने घर के वो पेशेंट जो दवाइयाँ दे दे के मायूस हो चुके हैं जिनपे कोई दवा इफेक्ट करता नहीं है उसको आप देखिए इंशाल्लाह ऐसे काफ़ी रिजल्ट है, काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। जो अगर आप मार्केटिंग करिए ना करिए लेकिन मेरी पर्सनल राय ये ज़रूर है कि आप इसे यूज़ तो ज़रूर कीजिए। ये समझ लो मैं क्योंकि मैं कुछ हाइपोथायराइड हूँ और मैं दिन में 250 टेबलेट लेता हूँ एल्ट्रोक्सिन्स की, मेरे लिए तो बहुत उम्मीद वाली प्रोडक्ट है। मैंने इससे काफ़ी उम्मीदें बांध के रखी है कि अल्लाह ताला मुझे इससे शिफा दे क्योंकि आप जानते हैं जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। मेरे लिए तो खाली एक तरह के मेरे लिए बहुत उम्मीद की किरण नहीं है। तो
आई होप कि आप लोग